नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन की आड़ में बढ़ाया गया किराया। कोरोना में बस किराया बढ़ाने पर रोक, बस संचालकों ने स्वयं 50 रुपये बढ़ा लिए। कोरोना महामारी की वजह से परिवहन विभाग ने बस किराया बढ़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। परिवहन आयुक्त किरण कुमार पासी ने बस संचालकों से स्पष्ट रूप से किराया में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं करने का निर्देश दिया है। झारखंड बस ओनर एसोसिएशन ने भी किराया बढ़ोतरी की विधिवत घोषणा नहीं की है। इसके बावजूद रांची से दूसरे जिलों के लिए चलने वाली बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। रांची से सिमडेगा, चकलधरपुर और पलामू रूट की बसों के किराए में 50 से 60 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। सिमडेगा रूट में पहले 200 रुपये प्रति सीट किराया लिया जा रहा था, अब 250 रुपये कर दिया गया है। वही चकलधरपुर का किराया 150 रुपये था, अब 200 रुपये लिया जा रहा है। गुमला, पलामू, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह रूट की बसों के किराए में भी 40 से 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। यात्री भी बढ़े हुए किराए का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बस बंद होने से आवागमन में सबसे अधिक परेशानी हो रही थी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 8 जुलाई सुबह 6 बजे के लिए लागू है। ऐसे में 8 जुलाई से इंटर स्टेट बस चलने की संभावना है। इसके बाद दूसरे राज्यों का सफर भी महंगा होगा, क्योंकि बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल रूट की बसों का किराया भी बढ़ाने की तैयारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड अनलॉक 6 में कोचिंग संस्थानों को मिलेगी खोलने की इजाजत। दूसरे राज्य तक बस परिचालन की मिल सकती है अनुमति। कोरोना को लेकर लॉकडाउन में झारखंड सरकार क्रम से छूट दे रही है। अब अनलॉक 6 पर निर्णय की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसमें कोचिंग संचालकों को राहत की उम्मीद है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत मिलने की उम्मीद है। बस संचालक भी उम्मीद लगाए हुए हैं। हेमंत सरकार आज बुधवार देर शाम तक अनलॉक 6 की गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। इसमें कोचिंग संचालक ढेर सारी उम्मीद लगाए हुए हैं कि झारखंड सरकार कुछ शर्तों के साथ कोचिंग खोलने की अनुमति दे सकती है। वही बस संचालकों को भी उम्मीद है कि झारखंड सरकार जो है कुछ शर्तों के साथ दूसरे राज्य तक बस परिचालन की अनुमति दे सकती है। वही मंदिर को भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है कुछ शर्तों के साथ। तो देखना होगा कि अनलॉक 6 में झारखंड सरकार जो है किन शर्तों के साथ क्या गाइडलाइन जारी करती है, या फिर अनलॉक 5 की ही जो है डेडलाइन को आगे बढ़ाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिलीप कुमार के निधन। बॉलीवुड हस्तियों और राजनेताओं ने जताया शोक। हिंदी सिनेमा के सरताज और अभिनय के सहिंसा कहे जाने वाले दिलीप कुमार साहब का आज निधन हो गया है। निधन की पुष्टि अभिनेता के भतीजे रेहान अहमद ने की है। दिलीप कुमार का निधन आज 7 जुलाई को सुबह 7:30 पर हुआ है। अभिनेता पिछले कुछ दिनों से उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे। उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार के निधन की खबर से बॉलीवुड में शोक पसरा हुआ है। राजनीतिक जगत के भी उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। बॉलीवुड की ट्रेजरी किंग दिलीप कुमार बुधवार को 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए हैं। दिलीप साहब का बॉलीवुड करियर फिल्म ज्वार भाटा 1944 से शुरू हुआ था। 1947 में उन्होंने जुनून में एक काम किया। इस फिल्म की जो है कामयाबी ने दिलीप साहब को चर्चित कर दिया। इसके बाद उन्होंने शहीद, अंदाज, दाग, दीदार, मधुमति, देवदास, मुसाफिर, नया दौर, जो है आन अंदाज जैसे कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे में 55 पॉजिटिव मरीज, 108 हुए ठीक। पूर्व सिंहभूम में एक संक्रमित की हुई मौत। पिछले 24 घंटे में राज्य में 55 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। वही 108 मरीज ठीक भी हुए हैं। इधर पूर्व सिंहभूम से एक संक्रमित मरीज की मौत भी हुई है। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 555 पहुंच गई है। अब तक 3,45,983 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें से 3,40,257 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 6, देवघर से 2, धनबाद से 2, पूर्व सिंहभूम से 17, गुमला से 2, जामताड़ा से 5, कोडरमा से 3, लातेहार से 5, पलामू से 1, रामगढ़ से 3, रांची से 5 और साहिबगंज से 4 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरा राशन कार्ड बनाने के लिए लगेगा विशेष शिविर। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत रांची जिले में हरा राशन कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र और नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी अंचल कार्यालय में विशेष शिविर लगेगा। इसमें लाभुकों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रखंड मुख्यालय में 8 जुलाई और रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी अंचल कार्यालयों में यह कैंप 9 जुलाई को लगेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में सड़क हादसे में 2 की मौत, ड्राइवर को आई नींद की झपकी, अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, सवार महिला समेत 2 की गई जान। सरैयाहाट थाना क्षेत्र के चहोटिया गांव में बुधवार सुबह सड़क दुर्घटना में कार सवार महिला समेत 2 की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए हैं। कार सवार सभी लोग कैटरिंग का काम कर वापस अपने घर आ रहे थे। माना जा रहा है कि इसी दौरान ड्राइवर को नींद की झपकी लगी और कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। घायलों को देवघर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक में देवघर के रहने वाले
दीपक गुप्ता व उनकी महिला कर्मचारी मुनमुन कुमारी शामिल है। दीपक गुप्ता और देवघर के गुप्ता कैटरिंग के मालिक थे। सभी गोड्डा के महागामा से शादी समारोह में कैटरिंग का काम कर कार से सवार होकर देवघर अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच जो है चहोटिया के पास इनकी कार पेड़ से जा टकराई और यह दुर्घटना हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में मरीजों को अब 5 वक्त का भोजन, जाना इंटरप्राइजेस को मिली कमान। रिम्स में अब मरीजों को 3 वक्त की जगह 5 वक्त का भोजन दिया जाएगा। इसमें सुबह की चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम को स्नैक्स और रात्रि का भोजन शामिल है। अभी तक मरीजों को सुबह की चाय और शाम को स्नैक्स नहीं मिलता था। प्रबंधक ने इसके लिए नई एजेंसी का चयन कर इसकी जिम्मेदारी जाना इंटरप्राइजेस को सौंप दी है। रिम्स जो है अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया है कि जाना इंटरप्राइजेस का चयन टेंडर के माध्यम से हुआ है। कंपनी द्वारा सबसे अधिक स्कोर किया गया है और प्राइस बिड भी सबसे कम रही है। पुरानी एजेंसी की पुरानी दर को बदलते हुए नई एजेंसी द्वारा नई दर पर मरीजों को भोजन देने का फैसला लिया गया है। नई कंपनी 129 रुपए में प्रति मरीज को भोजन देगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जलकर खाक हुई कार, पेट्रोल पंप के पास खड़ी कार में लगी आग। पेट्रोल टंकी की पाइप वेल्डिंग कराने के क्रम में लगी आग। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र के मरकच्चो बरियाडी मुख्य मार्ग स्थित नावाडी पेट्रोल पंप के पास कार में वेल्डिंग कराने के दौरान अचानक आग लग गई। लोग जब तक उसे बुझा पाते कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बगल में ही वेल्डिंग की दुकान है। कार के पेट्रोल टंकी के पाइप को वेल्डिंग करने से आग लगी है। कार नावाडी पंचायत के पिपराडी निवासी रतन सागर पिता प्रेम सागर की है। रतन अपनी कार को पेट्रोल टंकी के पाइप के लीकेज को वेल्डिंग कराने नावाडी पेट्रोल पंप स्थित वेल्डिंग दुकान लाया था। इस दौरान जो है पाइप को वेल्डिंग करने के क्रम में ही अचानक आग लग गई और कार को जो अपनी चपेट में देखते ही देखते कार जलने लगी। आसपास के लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि जो उसमें एक सफल नहीं हो पाए। इधर घटना की जानकारी मिलने पर थाना के एएसआई उमेश सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे जो है घटना की जानकारी ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम होते ही बढ़ने लगी लोगों की लापरवाही, नहीं सुधरे तो बिगड़ेगी हालत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जैसे जैसे कम हो रही है वैसे वैसे लोगों की लापरवाही बढ़ने लगी है। विशेषज्ञों का कहना है कि सावधानी नहीं बरती गई तो कोरोना फिर से भयंकर रूप में सामने आएगा। इसके बावजूद लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं। हाट व बाजार और सार्वजनिक स्थानों में शादी व मांगलिक कार्यक्रम समेत अन्य समारोह में लोग बगैर मास्क दिख रहे हैं, जो जिले के लिए अच्छी बात नहीं है। हर हाल में सावधानी जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर ने शायद ही कोई परिवार अछूत रहा होगा, इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार भी लोगों को आने वाले खतरे से आगाह कर रही है। शहर से लेकर गाँव तक की दुकानों में लोग बगैर मास्क के खरीदारी करते हुए देखे जा रहे हैं। इस ओर दुकानदार भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जगह जगह कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो रिजल्ट तैयार कर रहे स्कूलों का होगा निरीक्षण। सीबीएसई ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय को 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम तैयार कर रहे स्कूलों का औचक निरीक्षण करने को कहा है। इसका मकसद जो है मूल्यांकन नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भरद्वाज ने कहा है कि स्कूल का दौरा करने वाला अधिकारी जाँच किए गए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा। इससे संबंधित रिपोर्ट 12 जुलाई तक बोर्ड को भेजनी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करो तो ब्लैक में बेच दिया मिड डे मिल्क, गोदाम के रक्षक पर भक्षक होने का आरोप। सदर प्रखंड दुमका के एमडीएम में करीब 50 लाख के गमन का बड़ा घोटाला सामने आया है। इस मामले में गोदाम प्रभारी आरोपों के दायरे में हैं, जबकि एक सस्पेंड अधिकारी भी। मध्यमा भोजन में गड़बड़ी से जुड़े इस मामले में जिले के उपायुक्त ने जाँच किए जाने के निर्देश भी दिए हैं और बताया गया है कि यह घोटाला पिछले 3 सालों से चला रहा था। उपायुक्त ने मामले की जाँच कर दोषी पाए जाने वाले अधिकारी को सस्पेंड करने की अनुशंसा कर दी है। स्थानीय प्रशासन को बेनामी पत्र से सूचना मिलने के बाद इस मामले को लेकर एक्शन का सिलसिला शुरू हुआ है। घोटाले के बारे में वीडियो राजेश कुमार सिन्हा ने बताया है कि मध्यमा भोजन में गड़बड़ी के संबंध में जांच की जा रही है, क्योंकि एमडीएम के चावल की भारी मात्रा में कालाबाजारी करने का आरोप लगे हैं। जांच के दौरान गोदाम की भंडार पंजी और वितरण पंजी देखी गई है। वर्ष 2018 से 21 तक कुल 2640.46 क्विंटल चावल को लेकर अनियमितता होना सामने आया है। जितने चावल की कालाबाजारी की बात कही जा रही है, अगर उसे 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया है तो करीब जो 42 लाख से अधिक राशि का घोटाला आंका जा रहा है। वही जो 20 रुपए प्रति किलो की दर से बिक्री हुई है तो यह 50 लाख से अधिक की कालाबाजारी का मामला होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।